जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीएमएस यानी कि कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको OTR से लेकर के प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका यूपीएससी सीएमएस 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद में जानने को मिलेगा कि 827 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 10 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी है वो आप चेक करेंगे। एंड इसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, फिर आपके जो एग्जाम सेंटर है, आपका एग्जाम पैटर्न, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये वाला, ये आप ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है, आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे, तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइस आपके सामने आता है फादर नेम, तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना है कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें, और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड की है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए। और आपको यहां पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जो आपकी भारतीय आर्थिक सेवा यानी कि आईईएस
आईएएस और आईएसएस के अंदर वैकेंसी आई हुई है वो देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने अलग से फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी, अगर आप इस पर बाई चांस एलिजिबल है तो आप ये भर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ आपको कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम 2024 देखने को मिलेगा, इसके सामने आप देखेंगे अपडेट एडिट ओटीआर। अगर आपको ओटीआर की कोई भी जानकारी एडिट करनी है या अपडेट करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको करेंगे, नहीं तो आप यहां पर सिंपली क्लिक और फॉर पार्ट वन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, इन सभी को रीड करते हुए आप यहां पर यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड गाइज अब आपके सामने ऊपर की तरफ वो जानकारी आई है जो कि आपने ओटीआर के अंदर भरी और जानकारी आपको इस सेक्शन के अंदर भरनी है वो आपकी यहां से शुरू होती है। सबसे पहले आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्सी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। अगर आप विकलांग हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती कम्युनिटी जैसे कि ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल या फिर आपका ओबीसी, अगर आप ओबीसी है तो फिर एक और सवाल आपके सामने आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड ये आपका जो सर्टिफिकेट है उसी में पता चलेगा आपको कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आप ओबीसी है तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर बना होना चाहिए या फिर 2023-2024 या फिर 2021 या फिर 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक बना होना चाहिए, जो कि अगर आप इस फॉर्म को भरने के लास्ट डेट के बाद में बनवाएंगे तो फिर वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो आपके सामने इसी तरह से ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह का होगा, ये उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एक ओबीसी सर्टिफिकेट है, इसमें जो यहां पर प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहां पर भरना है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर में। फिर इसके बाद में आता है किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है और जहां पर सक्षम अधिकारी राइट साइड में नीचे की तरफ लिखा है और उसके बाद में जो भी लिखा है जैसे कि तहसीलदार है, तो ये सर्टिफिकेट मेरे वाला तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। आपका जिसके द्वारा भी जारी हुआ है उसी पोस्ट को आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, इसमें काफी सारी पोस्ट यहां पर दी गई है, अगर अदर्स है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि जो आपका स्टेट है किस स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो 10 जनवरी 2024 को जारी हुआ है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन है वो डेट आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी है। मैं यहां पर डेमो के लिए जानकारी भर रहा हूं। फिर आएंगे आप नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, तो इसमें क्वालिफिकेशन है ऑलरेडी पास द रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द फाइनल एमबीबीएस एग्जाम या फिर अपीयर्ड या अपीयरिंग एट द रिटन प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द फाइनल एमबीबीएस एग्जाम, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर जो आपका एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देंगे और उसमें आपको कोई कोमा या इस तरह के निशान नहीं लगाने, नहीं तो आपके इसमें एरर आता रहेगा। बिना कोमा लगाए या फिर इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर यूज करें आपको अपना एड्रेस भरना है। स्टेट यहां पर जो भी आपकी वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहां पर दे सकते हैं या फिर आपका फोन नंबर भी आप यहां पर दे सकते हैं कोई दूसरे वाला है, या फिर चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज अब आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर ऑप्शन आएगा क्या आप आयुष्मा में छूट का दावा करते हैं। ये ऑप्शन आएगा सिर्फ एससी एसटी के लिए क्योंकि और ओबीसी के लिए क्योंकि उनको यहां पर आयुष्मा में छूट मिलती है, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ओवर एज हो चुके हैं और आप उसका फायदा लेना चाहते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहां पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप यहां पर डालेंगे, उसको दोबारा यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जो भी आईडी आपने यहां पर भरी है उसको अपलोड भी करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर वो इमेज में है तो आपको गूगल के अंदर इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ओपन करना है। आपका जो भी आईडी का इमेज है जो आपने लिया है फोन से वो आप यहां पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए इमेज में सेलेक्ट कर रहा हूं, ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगी। एंड देन वो फाइल फिर आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, जैसे कि मैं यहां पर आपको एक अपलोड करके दिखाता हूं, इस तरह से वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने भरी है उसका रर्शन का जो प्रिव्यू है वो आपके सामने है, आप ये सभी जानकारी चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है इनमें से तो वो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लेंगे, नहीं तो एक कैप्चा कोड डालेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रर्शन है वो यहां पर हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्रिंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अब आपको यहां पर ये करने के बाद में अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहां पर फोटो अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि आपके फोटो का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आप ऊपर आपका फोटो, नीचे आपका नेम के बाद में नेम और फोटोग्राफ डेट के बाद में डेट की किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है, और सिग्नेचर ऐसा फोटो का फॉर्मेट जेपीजी का हो और
और साइज जो है या फिर कह लीजिए पिक्सल, वो आपका 550x550 इमेज का, या फिर आप उसका जो पिक्सल है वो 1000x1000 रखेंगे। और सिग्नेचर का भी ऐसा ही है, जिस भी पिक्सल में जो आप अपने फोटो का वाइड रख रहे हैं वही आपको आपकी फ़ोटो की हाइट भी रखनी है। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए फाइल सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ। ये फाइल मैंने सेलेक्ट की, ओपन किया, एंड देन फिर जो आपका सिग्नेचर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आपका ये फोटो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली चाहे तो ऊपर नाम और नीचे डेट भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जब आपका UPSC सिविल सर्विसेज का फॉर्म आया था, तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी एक अलग से, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने फोटो के ऊपर डेट लिखेंगे, नेम लिखेंगे और उसका जो पिक्सल है वो कैसे एडजस्ट करेंगे। तो वो वीडियो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बाद में मैं ऐड कर दूंगा, उसको वॉच करके आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा कि कैसे आपको अपने फ़ोन से फोटो बनाना है। एंड फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आप गाइज आप यहाँ पर आएंगे सेंट्रल सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इसके ऊपर, और फिर आपका जो एग्जाम सेंटर आप रखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और गाइज इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर लेंगे। अभी गाइज अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले, तो आप कैसे लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें और यहां पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी जो आपने अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम 2024, तो आपको यहां पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन, आप व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग UPSC CMS 2024 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।